हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर ऑफ स्टैंड ऑफ फेथ, दैट इज बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट। बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट का मतलब क्या होता है? गुड होस्ट मतलब कोई भी फंक्शन को प्रेजेंट करने वाला, उसे अरेंजमेंट करने वाला, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला। और गेस्ट मतलब तो आप जानते ही हैं, गेस्ट मतलब मेहमान। तो किस तरह हम एक मेजबान, मतलब अच्छा मेज़बान और अच्छे मेहमान बने, किस तरह अच्छा मेहमान और एक मेज़बान बने, इस चैप्टर में हम देखेंगे। वी ऑल लव टू गेट टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स एंड लव सॉरी एंड हैव फन। वी लाइक आवर फेवरेट डिशेस इवन बेटर व्हेन वी शेयर देम विद आवर फ्रेंड्स। इन शॉर्ट वी ऑल लव अ पार्टी। मतलब अब गेट टुगेदर करना हम सबको पसंद है, फ़न करना, मस्ती करना, फ्रेंड के साथ पार्टी करना, ये सबको पसंद है। हमें हमारे फेवरेट डिशेस भी अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब हम उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। तो इन शॉर्ट हम पार्टी, मतलब हम जो हैं, वी ऑल लव अ पार्टी, हम पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यू मे हैव attended parties or you may even have given some. What do you think makes a good party? Expensive fancy clothes, costly decoration, rich food, such things may make a party look glamorous, but is that enough or even necessary to make the people happy? तो ये बोल रहा है कि आपने आपने कई पार्टी भी अटेंड की होगी, अटेंड भी की होगी, और यहाँ तक कि आपने कई पार्टी दी भी होंगे अपने बर्थडेज में, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी, सेरेमनी पार्टी, तो आपने बहुत सारे पार्टीज होंगे ऐसे जो आपने अटेंड भी किए रहेंगे, या फिर आपने ऐसी बहुत सारी पार्टीज रहेगी जो आप दिए भी होंगे। सो ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक मेक अ गुड पार्टी? एक्सपेंसिव फैंसी क्लॉथ, कॉस्टली डेकोरेशन, रिच फूड। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि एक अच्छा पार्टी क्या है? एक्सपेंसिव फैंसी क्लॉथ, महंगे गिफ्ट देना, फैंसी क्लॉथ्स पहनना, डेकोरेशन, अच्छा खाना। तो सच थिंग में मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरस, ये जो है ये पार्टी को तो ग्लैमरस लुक देते हैं, बट इज़ दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी। लेकिन ये बस इतना ज़रूरी नहीं है, ये इंसान को, पीपल को हैप्पी रखने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। अ गुड पार्टी इज़ वेयर द होस्ट एंड गेस्ट कैन बोथ इन्जॉय देमसेल्फ एंड बी हैप्पी। एक गुड पार्टी वैसी होती है जहाँ पे गेस्ट और जो पार्टी होस्ट करने वाला होता है, वो होस्ट एंड द गेस्ट कैन बोथ इन्जॉय देमसेल्फ एंड बी हैप्पी। एक गुड पार्टी वैसी होती है जहाँ पे गेस्ट और होस्ट दोनों ही पार्टी इन्जॉय करें और हैप्पी रहें। इट शुड बिकम अ प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल। ये जो है पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये सबके माइंड में एक मेमोरी बन जाए, प्लीजेंट मेमोरी मतलब खुशनुमा जो माहौल है, मेमोरी है, वो बन जाए। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट द पार्टी बिकम्स मेमोरेबल इन अ गुड वे। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्टी जो है उसे मेमोरेबल हम कैसे बनाते हैं। इफ़ यू आर द होस्ट, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर टू डू। मैंने क्या बताया कि होस्ट किसे बोलते हैं? जो पार्टी ऑर्गेनाइज किए रहते हैं। तो बोल रहा है कि अगर आप होस्ट हैं तो जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि ये जो है स्टोरी वो एक्टिविटी बेस्ड है, तो आपको ऐसे ही स्टोरी दिए रहेंगे एक्टिविटी के बेस्ड पे। तो जिसमें से आपको बोला है कि अगर आप होस्ट हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो एक फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक सरप्राइज पार्टी होस्ट कर रहे हैं अपने ग्रैंडपा के लिए, मतलब बच्चे और सारे फैमिली मिल्स के। सो कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया। दे विल हेल्प यू टू चूज अ सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू एक्सेट्रा। तो ये बोल रहे हैं कि पार्टी अरेंज करने से पहले, होस्ट करने से पहले, आप अपने फैमिली को, मतलब कि कंसल्ट योर फैमिली मेम्बर फर्स्ट, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पहले बताएं, और ये भी ताकि वो आपको हेल्प कर सके चूज़ करने में सुटेबल टाइम, डेट, प्लेस, मेन्यू एक्सेट्रा, ये सब।
देन मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू विश टू इन्वाइट टू द पार्टी एंड देन फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिस्ट बनाओगे पीपल की जिसको आप चाहते हो कि वो पार्टी में, जिसको आप चाहते हो पार्टी में इन्वाइट करने के लिए. सेंड द इन्विटेशन वेल इन एडवांस. यू मे एक्सटेंड एन इन्विटेशन ओरली और यू मे सेंड अ रिटन इन्विटेशन. मेक श्योर डैट योर इन्विटेशन इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो ये जो है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन अरेंज करना है, होस्ट करना है ये, या फिर फंक्शन एंजॉय करना है, तो आपको क्या सबसे पहले इनविटेशन देना होता है गेस्ट को. तो आप जो है वो इनविटेशन ओरली भी दे सकते हैं और रिटन इनविटेशन भी दे सकते हैं. ओरली मतलब जैसे कि आप केवल ऐसा फ़ोन कॉल्स या फिर बोल के आप दे सकते हो, और रिटन मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको कार्ड दिया हुआ है तो आप ऐसे कार्ड में भी उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. ये है आपका अ फॉर्मल इन्विटेशन, मतलब औपचारिक. इसमें आपको ध्यान रहे कि इंक्लूड ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन सारे इंक्लूड लें कि पार्टी कब है, किसके लिए अरेंज हो रही है, डेट रहे, पार्टी कहाँ हो रही है, ये सब जो है सारी जगह के नाम यहाँ पे इंक्लूड्स होने चाहिए. देन हु इज इन्वाइटिंग वो, कौन किसको इनवाइट कर रहा है. द ओकेजन व्हाई यू आर गिविंग द पार्टी, वो ओकेजन कि आप क्यों ये पार्टी दे रहे हो. व्हेन एंड वेयर इट विल बी हेल्ड, व्हाट डे, व्हाट टाइम, व्हाट प्लेस, और ये पार्टी कहाँ पे हो रही है, क्या दिन है, क्या टाइम पे हो रही है, कौन सी प्लेस पे हो रही है. तो ये है आपका एक इनफॉर्मल इन्विटेशन. देन चूज अ मेन्यू दैट योर गेस्ट विल एंजॉय. तो आपको बोल रहा है कि आप मेन्यू चूज़ करो जिसमें जो आपके गेस्ट है वो इन्जॉय करें. एज अ गुड होस्ट यू शुड कंसिडर योर गेस्ट प्रिफरेंसेस फर्स्ट. और एक अच्छे होस्ट का यही होता है कि वो जो है अपने गेस्ट को सबसे पहला प्रिफरेंस कंसिडर करें. चॉक आउट अ प्रोग्राम. विल यू बिगिन विथ गेम्स और म्यूजिक. वेन विल फूड बी सर्व. आपको ज़रूर एक बार चॉकआउट करना चाहिए कि जो है वो गेम्स और म्यूज़िक कब स्टार्ट होगा, फूड वगैरह कब सर्व्ड होंगे. डू यू वांट एनी डेकोरेशन, हाउ विल दे बी डन. अगर आप जो भी डेकोरेशन चाहते हो वो कब होगा, कैसे डन होगा, ये सब. वंस यू हैव प्लान्ड द अबव डिटेल्स यू कैन वर्क आउट हाउ द वेरियस टास्क कैन बी डन, हु विल हेल्प यू टू डू ईच ऑफ डैम. और अगर आप ये जितने भी अबव डिटेल, मतलब जितने भी ऊपर जितने भी डिटेल्स दिए हुए थे, अगर वो आप प्लान कर चुके हैं तो आप अदर टास्क के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आपको कौन हर एक काम में आपको कौन हेल्प करेगा वो भी आप यहाँ पे टास्क कर सकते हैं. ऑन द डे ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी वाले दिन, यू मस्ट बी रेडी बिफोर योर गेस्ट. मतलब कि पार्टी वाले दिन आपको क्या ध्यान में लेकर चलना है कि आप जो है अपने गेस्ट के आने से पहले रेडी रहो. योर डेकोरेशंस फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव. आपका जो पार्टी का डेकोरेशन है, जो फूड का प्रिपरेशन है, वो गेस्ट के आने से पहले रेडी होना चाहिए. यू मस्ट ग्रीट ऑल योर गेस्ट व्हेन दे अराइव. इफ दे डोंट नो वन अनदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस देम. अगर आपके गेस्ट एक दूसरे को नहीं जानते हैं, या फिर आप में आपके इधर जो भी गेस्ट आए हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, न्यू हैं, तो आपको ज़रूर उन्हें इंट्रोड्यूस एक दूसरे से करवाना चाहिए. यू शुड सी दैट ऑल योर गेस्ट आर कम्फर्टेबल एंड हैप्पी. आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जितने भी गेस्ट हैं वो कम्फर्टेबल हैं और हैप्पी हैं या नहीं. यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, मेकिंग श्योर दैट एवरी वन इज सर्व वॉट दे वॉन्ट. और आपको जो है फूड भी पोलाइटली सर्व करना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि एवरी वन इज सर्व वॉट दे वॉन्ट, कि जो गेस्ट जो चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है या नहीं. देन फिर इफ यू आर होल्डिंग पार्टी गेम्स, मेक श्योर डैट एवरी वन गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड एन्जॉय. अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं पार्टी गेम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक को, मतलब जितने भी गेस्ट हैं उन्हें हर एक को पार्टिसिपेट करने का और एन्जॉय करने का चांस मिलना चाहिए. हेयर आर सम कॉमन पार्टी गेम्स. यहाँ पे कुछ सम कॉमन पार्टी गेम्स दिए हैं, जैसे कि सिमोन सेज, म्यूजिकल चेयर्स, हॉट एंड कोल्ड, ये कोई गेजिंग गेम है. यहाँ पे कैरेट्स,
फोर वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश, मतलब ऐसा कुछ वर्ड्स बोलेंगे आपको डिफाइन करना है। तो ये सब जितने विस्पर्स, पिन द टेल ऑन द डंकी, ये सब आपको नेम है गेम के ट्रेजर हंट। तो ऐसे जो गेम है वो आपको होस्ट करना है, या फिर अगर आप किए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे एवरीवन सारे गेस्ट को खेलने का मौका मिले और वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर द गेस्ट टू लीव, यू शुड से गुड बाय टू ईच ऑफ देम पर्सनली। अगर आपके गेस्ट के जाने का टाइम हो गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें पर्सनली आप गुड बाय एक दूसरे से बोलो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी। और ये तो सबके घर में होता है कि अगर पार्टी अरेंज हुई रहती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है सबके लिए कि क्लीन अप करना, साफ़ सफाई करना। तो इसमें आपको ये रखना है सबके लिए, आपको सबकी साफ़ सफाई में आपको हेल्प करनी रहती है पार्टी के बाद। ये था अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हो तो आपको इतने सारे रूल्स याद रखने हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है इफ़ यू आर अ गेस्ट, हेयर आर सम टिप्स फॉर यू। और अगर आप गेस्ट हैं तो यहाँ पे आपके लिए सम टिप्स दिए हुए हैं, वो आपको अप्लाई करना है। तो देखेंगे हम कि गेस्ट के लिए यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है। प्लीज एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड द इनविटेशन एंड लेट योर होस्ट नो वेदर और नॉट यू विल अटेंड द पार्टी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो इनविटेशन रिसीव किया है, जो आपको इनविटेशन मिला है, तो आप उस पार्टी में, आप वो पार्टी अटेंड कर रहे हो या नहीं और क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, ये आपने जो आप जो आपको इनवाइट किया है आप ज़रूर उसे बताओ। लेट योर होस्ट नो, मतलब जिसने भी आप, जो भी होस्ट आपको ये इनविटेशन दिया है, आप उसे बताओ कि आप पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो या फिर क्या कारण है वो सब। Then if you are choosing a present for your host, think well about what he, she will like. और बोल रहा है कि अगर आप अपने होस्ट के लिए प्रेजेंट चूज़ कर रहे हो, मतलब गिफ्ट चूज़ कर रहे हो, तो आपको थिंक वेल अबाउट, आप अच्छी तरह से सोचो कि उसे, ही और शी, मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो गर्ल हो या बॉय हो, तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है कि उसे क्या पसंद है या फिर क्या नहीं है, उसे अच्छा लगेगा या नहीं। अ थॉटफुल गिफ्ट इज़ अप्रिशिएटेड मोर देन एन एक्सपेंसिव वन। तो एक थॉटफुल गिफ्ट मतलब होता है जो बहुत अप्रिशिएट होता है किससे, एक्सपेंसिव वन से। ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप महंगे गिफ्ट लेके जाओगे, किसी किसी का वर्ड से गिफ्ट से ज़्यादा बढ़ के होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट मतलब एक थॉटफुल गिफ्ट से ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं हो सकता। रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग और लेबल फ्रॉम द गिफ्ट। आपको ध्यान रहे कि जो गिफ्ट पे प्राइस टैग लगा हुआ रहता है वो आप रिमूव कर दो, हटा दो। इट इज़ नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन द गिफ्ट। ये आपके दो, जो आपका होस्ट है, मतलब जिसके लिए आप प्रेजेंट ले रहे हो, जिसके लिए आप गिफ्ट ले रहे हो, उसे पता नहीं होना चाहिए कि आपने उस पर कितने पैसे स्पेंड किए हैं। रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ़ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योर सेल्फ। मतलब बोला है कि आप गिफ्ट को अच्छे से रैप करो और जहाँ तक पॉसिबल हो उसे आप खुद से डेकोरेट करो, खुद से रैपिंग करो। देन ऑन द डे ऑफ द पार्टी, अब गेस्ट को पार्टी वाले दिन क्या क्या करना चाहिए। बी पंक्चुअल, रीच द टाइम फॉर द पार्टी। एकदम पंक्चुअल मतलब कि करेक्शन टाइम पे आपको पहुँच जाना है। If there is any work to be done, offer to help. अगर आपका, if there is any work to be done, अगर आपको कोई वर्क वहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो कोई वर्क होने वाला है, या फिर अगर कोई वर्क नहीं हो पाया है तो आपको उसमें हेल्प करना चाहिए। Be friendly with the other guest. और other guest में और भी जितने सारे मेहमान हैं उन्हें भी उनसे भी आपको फ्रेंडशिप बनाए रखनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड द गेम्स इफ़ देयर आर एनी विलिंगली। आपको बोला है कि अगर वहाँ पे किसी तरीके के गेम्स वगैरह हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशन ऑनेस्टली, और जितने भी फूड्स डेकोरेशन है उसका आप अप्रिशिएट करो। डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू वॉन्ट। और आपको बोला है कि आप जितना खाना खाओ उतना ही खाना आप लो, डोंट वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट मत करो। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव,
अप्रोच योर होस्ट एंड से गुड बाय। और जब भी आपका पार्टी जब हो जाता है एंड सारे पार्टीज ख़त्म होने के बाद अगर वो जाने के टाइम जब टाइम आते हैं तो आप अपने होस्ट को गुड बाय बोलो। लेटर ऑन लेट यू होस्ट नो एदर पर्सनली और राइटिंग हाउ मच यू एंजॉय द पार्टी। और आप पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने होस्ट को जरूर बताओ कि मतलब राइटिंग या फिर ओरली कि आपको जो है वो पार्टी आपने कितना एंजॉय किया, आपको मज़ा आया या फिर नहीं। द सक्सेस ऑफ अ पार्टी शुड बी मेजर्ड बाई द गुड विल एंड फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स। बी यू अ होस्ट और अ गेस्ट, डू ऑल यू कैन टू बूस्ट इट। तो आपको बोला है कि एक सक्सेसफुल पार्टी तभी होती है जब वहाँ पे फ्रेंडशिप क्रिएट हो, ना कि जैसा कि जितने भी रॉन्ग थिंग्स है वो क्रिएट करके यहाँ पे जो पार्टी वो सक्सेसफुल नहीं होती है। पार्टी तभी क्रिएट होती है जब वहाँ पे एक अच्छी फ्रेंडशिप बन जाए, एक मेमोरेबल मतलब यादें रह जाएँ, तो वो एक अच्छी पार्टी होती है। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया था। इसी के साथ यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके देन, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय एंड थैंक यू।